सो हियर वी आर एट JNPT और हम पुणे की तरफ जा रहे हैं, जो 114 किलोमीटर और बचा है अभी। और ये आज का जो वीडियो होने वाला है, ये होने वाला है डोमिनार 250 का माइलेज टेस्ट। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि इस गाड़ी पे 35 का माइलेज है अच्छे से चलाने पे, लाइक 80-85। और बहुत सारे लोग फोरम्स में बोल रहे हैं कि उन्होंने 40 भी अचीव किया है। सो मैंने सोचा क्यों ना यार एक बार खुद ही कर लिया जाए सोलो, मतलब सिर्फ मेरे वेट पे और एक अच्छी 75 वाली स्पीड पे, 75-80 वाली स्पीड पे। तो यही था आज का एक शॉर्ट एक टॉपिक। सो मैं टोटल 300 किलोमीटर्स राइड करने वाला हूँ, जिसमें से 50 ऑलरेडी हो चुके हैं फुल टैंक करने के बाद। 300 किलोमीटर्स जाके आने वाला हूँ, फिर उसके बाद एक बार फुल टैंक करेंगे और देखते हैं कि कितना इसमें टोटल पेट्रोल बैठता है। मेरा एक्सपेक्टेशन अराउंड 8 लीटर्स का है, यानी 35 का माइलेज मैं पकड़ रहा हूँ, क्योंकि भाई सोलो है गाड़ी, नए नए टायर्स लगे हैं गाड़ी पे, सर्विसिंग हुई थी रिसेंटली, एयर फिल्टर, स्पार्क प्लग सब कुछ चेंज हुआ है शायद। तो लेट्स सी, होप्स हो कि 35 या उसके ऊपर ही मिले, अगर उसके ऊपर है तो अच्छा है। और सो ये कभी मैं शॉर्ट एक मोन्टाज डालता हूँ आपके लिए देखने के लिए कि कैसा मैंने गाड़ी चलाया है, कैसे कैसे रोड्स पे चलाया है, तो आप एक फेयर आइडिया ले सकते हो कि कैसा आपको भी माइलेज मिल सकता है इस गाड़ी पे ऐसा चलाने पे। और एक बात, ये काफ़ी अच्छी सेकेंड हैंड गाड़ी अब बन चुकी है, BS6 2020 डोमिनार्स। बहुत सारे लोग 2022 में अब बेचने के इसमें आ चुके हैं, बिकॉज दे वॉन्ट मोर पावर या भाई कुछ और उनके प्लान्स होंगे लेने के। तो मैंने काफ़ी ओला एक्सप्रेस के एड्स देखे हैं, तो अगर आप भी हो उसमें से कि आप सेकेंड हैंड लेने का सोच रहे हो, देन आई एम प्रिटी श्योर यार आप ले सकते हो ये गाड़ी, यू कैन गो फॉर इट। बहुत बहुत प्यारी गाड़ी है ये, इसका मैंने एक लॉन्ग टर्म रिव्यू भी किया था जब ये 21,000 चल गई थी, वो एक वीडियो भी है अगर आप देखना चाहो तो। सो अगर आप टूरिंग, मैं इसमें बोल देता हूँ एक शॉर्ट इसमें, अगर आप टूरिंग करना चाहते हो ना हाईवे पे, बहुत प्यारी गाड़ी है, आँख बंद करके सेकेंड हैंड मार्केट में भी उठा सकते हो। बस एक बार एक अच्छे मैकेनिक को साथ में लेके जाना जो चेक कर पाए कि गाड़ी में कोई फॉल्ट वगैरह नहीं है, बिकॉज देख लो यार ये अभी करंटली 21,400-21,500 पहुँच गई है गाड़ी। बट यार एक रुपये का ऐसा नहीं लग रहा है कि गाड़ी ओल्ड है, 2 साल पुरानी हो चुकी है, बट कहीं से भी नहीं लग रहा है चलाने में कि ओल्ड है गाड़ी। सो या दैट्स इट, अब थोड़ा मोन्टाज वगैरह देख लो और फिर अपन डायरेक्ट माइलेज का कुछ बनाते हैं। ओके चलो बाय बाय। राइट सो अब हम लोग निकल गए हैं वापस घर की ओर। मुंबई टू पुणे हो चुका था, अब पुणे टू मुंबई कर रहे हैं वापस। रात के बज रहे हैं 1:30। मैंने सोचा खाली रोड्स मिलेंगे यार, खाली रोड्स पे जाते हैं आराम से, क्यों सुबह सुबह वो फॉग और ट्रैफिक का रिस्क लेना। सो आई थॉट दिस वाज द बेस्ट टाइम।
निकलते हैं, देखते हैं अभी कितना पेट्रोल लगता है। अभी तक गाड़ी हाफ टैंक हुई नहीं है वैसे, सो लेट्स सी कितना लगता है इसको टोटल पेट्रोल। अभी तक 159 किलोमीटर्स हो चुका है इसके हिसाब से। फिर से थोड़ा बहुत मोंटाज दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे थोड़ा सिटी है, यही अगर मैं सुबह निकलता तो यहाँ पे आपको पूरा मतलब लोग दिखेंगे जाते हुए, कंजेशन रहता है यहाँ पे, क्योंकि मैं पिछली बार आया था यहाँ पे एक बार, और अभी आप देख सकते हो पूरा खाली है। सो पूरा खाली है तो क्या बेवकूफ़ आदमी है यार। यार एक बात माननी पड़ेगी यार, डोमिनोर साउंड्स ब्लडी अमेजिंग यार, ब्लडी अमेजिंग। अभी आपको शायद स्पीडोमीटर पे स्पीड नहीं दिखेगा, बट फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि 70-80 ही चलाऊँ आराम से, बिकॉज यार आराम से आए थे तो आराम से ही जाते हैं ना, राइट। लेट्स सी, फ्यूल टैंक पे भी अब मेरा ध्यान ज़्यादा रहेगा नहीं। कैन यू बिलीव दिस कि रात के बज रहे हैं 2 और फिर भी इतनी अच्छी अच्छी लाइटिंग लगी हुई है, कोई टेंशन नहीं हो रहा है रोड पे चलाने का। हम लोग कांस्टेंट 70 पे चल रहा है कांस्टेंट, और हम लोग अभी पुणे शहर में हैं, अभी हम लोग बाहर भी नहीं आए हैं उससे। इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ का डेवलप्ड है कि क्या बताऊँ, एकदम मज़ा ही आ जाता है। वो देखो फोर्स मोटर्स का हेडक्वार्टर्स यहीं पे कहीं पे तो बजाज का भी है, मतलब इतनी चुम्बेश्वरी जगह है ना पुणे, सीरियसली मैन। शॉर्ट टिप, इफ़ यू आर समवन हु हैज़ अ डोमिनार और आप सोच रहे हो वाया टेरा का बैग लेने का, प्लीज़ डोंट, इट्स नॉट बिल्ट फॉर दिस। इसका जो नीचे जो थाई के पास जो क्लिप होता है वो बहुत इरीटेट कर रहा है वो थाई के पास मुझे। दिस इज़ वाया टेरा इज़ गुड फॉर ड्यूक एंड और अपनी वो जिक्सर 250, उन दोनों पर मैं टेस्ट कर चुका हूँ, नो इश्यूज़ एट ऑल। इवन बुलेट पे भी मैंने चलाया था, उस पर भी काम कर जाता है वाइटरा वाला, बट नॉट फॉर डोमिनार सैडली। सो इफ़ यू आर लुकिंग फॉर समथिंग फॉर डोमिनार, आई थिंक गार्डियन गियर्स ज़्यादा बेटर ऑप्शन है 3000 में। दिस वॉज 2800 फॉर द सेम थिंग बेसिकली, बट जो गार्डियन गियर्स के जो ये हैं क्या बोलते हैं उसको, साइड पॉकेट्स हैं वो गार्डियन गियर के बहुत अच्छे हैं, बड़े बड़े एकदम, अपने उतने अच्छे नहीं है। अराउंड 300 किलोमीटर्स इन 7.8 लीटर्स ऑफ फ्यूल, जो मैंने ट्रिप उड़ा दिया उसका, बट मैं आपको फ्यूलियो का वो दिखा दूंगा। सो टोटल माइलेज जो आया है वो अराउंड 38.5 का आया है इससे, और मैंने इतना ही एक्सपेक्ट किया था क्योंकि हम लोगों को काफ़ी मिक्स्ड राइडिंग कंडीशंस मिले थे। बहुत सारी जगह पे मैंने 40-50 पे चलाया बाइक को और बहुत सारी जगह पे 70-80 पे, तो उस हिसाब से 38.5 का माइलेज निकला है। और इस डोमिनार 250 पे रेड कलर पे ये गोल्डन रिम्स कैसे लग रहे हैं ज़रूर बताना। इसको हम लोगों ने लिटरली 300-400 रुपीज़ के अंदर कलर किया है, दोनों एलॉयज बाय द वे 400 रुपीज़ के अंदर। उसके बारे में भी बता देना कैसा लगा आपको कमेंट में, और अगर जानना होगा कैसे करना है तो वो भी पूछ लेना कमेंट में, तो शायद नेक्स्ट वीडियोस पे ही हो। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर आपको मेरी मेहनत अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर कर लो जो आपके फ्रेंड्स हैं जो डोमिनार 250 लेना चाहते हैं या सेकेंड हैंड मार्केट में सोच रहे हो लेने का, वो भी इस वीडियो से उनको हेल्प मिलेगी। सो या दैट्स इट,
बाय बाय।